फ्रेंड्स, मेरे एक लिटिल मास्टर छोटे से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिनकी विशेष डिमांड थी कि मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूं और ऐसी रेसिपी शेयर करूं जिसको वो आसानी से बना सकें। श्रेयम शर्मा जी, आपके लिए बहुत इजी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की है मैंने, इसे आप बनाइएगा और एक बार ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स मैंने ली हैं और इनको बारीक पतला काट लिया है। ये सारी वेजिटेबल्स हमारे घर पर आसानी से मिल जाती हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो ये है, हमारा रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस, ये आपकी बेकरी की शॉप पर मिल जाता है, इसे आप लेकर आइए। और देखिए, यहाँ पर कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ को मैंने फोक की हेल्प से बना लिया है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और इस पर हम बनाएंगे हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा। इंस्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको डो नहीं तैयार करना है, रेडीमेड बेस पर ही बनाऊंगी। और इसको छोटे बच्चे भी आराम से बना सकते हैं, मिनिमम 6, 7, 5th के बच्चे तो बहुत अच्छे से आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको अपनी मम्मी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस, तो आपको पिज़्ज़ा सॉस रिक्वायर्ड रहेगा। तो देखिए, हमारे पिज़्ज़ा बेस पर अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लग चुका है। आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट मम्मी की रहेगी यदि बच्चे बना रहे हैं, कि जब हम गैस ऑन करते हैं तो सावधानी से करना रहता है, तो यहाँ पर आप अपने बड़ों से कह सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस को पतली पट्टियों में काट लिया, यहाँ पर पतली पतली मैंने चीज़ स्लाइस कर ली हैं, इनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया इस पर। और उसके बाद जो भी हमारे पास सामान है, जैसे यहाँ पर मेरे पास था पनीर, तो मैंने अच्छी तरह से पनीर को पूरे चीज़ के ऊपर ग्रेट कर दिया है। और यहाँ वहाँ मत देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो कोई बात नहीं, हमारा पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो अब देखिए, यहाँ पर पूरा पनीर अच्छी तरह से ग्रेट कर चुके हैं। उसके बाद जितनी भी आपने वेजिटेबल्स काट कर रखी हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और जैसा आपको डेकोरेट करना हो, उस तरह से आप पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छी तरह से सारी वेजिटेबल्स की टॉपिंग्स कर दीजिए। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कैरेट हैं, गाजर हैं, इनको थोड़ा सा लाइन से मैंने डेकोरेट किया। उसके बाद यहाँ पर थोड़े बड़े पीस में कटे हुए प्याज थे, उनको भी डेकोरेट कर लिया। बच्चों को डेकोरेट किया हुआ सामान बहुत अच्छा लगता है, और अगर हम किसी बड़े को भी सर्व करते हैं तो हमें डेकोरेशन हर चीज़ में मस्त होती है। आप बिल्कुल ऐसा फैला हुआ नहीं दे सकते, क्योंकि वो देखने में भी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और बच्चे क्योंकि वेजिटेबल्स ऐसे नहीं खाते हैं, तो पिज़्ज़ा में वो आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, उसकी टॉपिंग्स भी हो गई है। और उसके बाद हमने इसमें ले लिए हैं थोड़े से स्वीट कॉर्न। सारी हेल्दी चीज़ें हैं तो अवॉइड मत करिएगा, तुरंत बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना भी हो सकता है इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करने पर कोई भी चार्जेस नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर स्वीट कॉर्न को मैंने अच्छी तरह से पूरे पे स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा पनीर फिर से ग्रेट कर दिया। आप इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और ओरिगैनो। ओरिगैनो आप बाहर मार्केट से ला सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स हैं तो आप चिली फ्लेक्स भी इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और गैस पर पहले उसको प्री हीट कर लेंगे, पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद गैस की नॉब को स्लो कर देंगे और उस पर स्टैंड रखकर एक प्लेट में हमारा जो पिज़्ज़ा हमने बेस के साथ तैयार किया है उसको रख देंगे और उसको कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद अगर आप देखते हैं तो धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें हमने इसमें दी थी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम एक स्लाइस को बीच में रख देंगे और उसके बाद देखेंगे 5 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे कट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही ईजी रेसिपी है और इसे बच्चे आसानी से बना सकते हैं, तो प्लीज़ बनाइएगा।